हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास यहां पे जो डिवाइस है यह है वीवो X80 Pro स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बढ़िया डिवाइस है, बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस के साथ में है। तो इस वीडियो में इसी स्मार्टफोन को करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इसी स्मार्टफोन के बारे में डिटेल्स में, फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और इसी स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग करके ऑनेस्ट रिव्यू रखेंगे। तो गाइस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो X80 Pro स्मार्टफोन के बॉक्स कुछ इस तरीके से नजर आता है और यहाँ पे लिखा गया है को इंजीनियर्ड विथ जॉयस, यानी जॉयस के कोलैबोरेशन में इस स्मार्टफोन को बनाया गया है। और साथ ही साथ स्मार्टफोन की यहाँ पे IMEI वगैरह और वीवो का ब्रांडिंग और यहाँ पे काफी कुछ लिखा गया है। इसके अलावा बॉक्स भी देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक कलर में ये बॉक्स बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स हो चुका है अनबॉक्स और इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे Vivo X80 Pro स्मार्टफोन, जी हाँ दोस्तों, इसी प्रोडक्शन के अंदर है। दिखाऊंगा बाकी क्या कुछ दिया गया है इसी बॉक्स के अंदर, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। और इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे दो सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए इन सभी के अंदर क्या कुछ दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बड़ा सा एक सेक्शन यहाँ पे और ये रहा एक छोटा सा सेक्शन। इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा केस कवर देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे और एक सेक्शन, इसी सेक्शन के अंदर यहाँ पे टाइप सी केबल दिया गया है और यहाँ पे ईयरफोन टाइप सी ईयरफोन प्रोवाइड कर दिया गया है। और ये रहा दोस्तों 80 वॉट फास्ट चार्जर, यानी बहुत ही ज्यादा तेजी तरीके से डिवाइस को चार्ज करेगा ये चार्जर। और ये रहा दोस्तों Vivo X80 Pro स्मार्टफोन, बहुत ही बढ़िया लुक से शानदार डिजाइन के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट साइड हो या फिर बैक साइड, डिवाइस देखने में काफ़ी ज़्यादा कूल, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, कर्व शेप में इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। और Vivo X80 सीरीज में दो स्मार्टफोन है, Vivo X80 Pro एंड Vivo X80, और दोनों ही स्मार्टफोन के लुक्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ये रहा Vivo X80 का लुक्स, देख सकते हो कितना कूल लग रहा है देखने में। और साथ ही साथ जो बैक बॉडी है वो यहाँ पे मैट फिनिश के साथ में ग्लास बैक बॉडी है, एलुमिनियम फ्रेम के साथ ये डिवाइस है। और इसी स्मार्टफोन के लुक्स के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको इस स्मार्टफोन के लुक्स डिजाइन बिल्कुल भी पसंद आया तो प्लीज वीडियो के लिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और खास करके इस स्मार्टफोन में डिजाइन के मामले में बहुत ही तगड़ा काम किया गया है Vivo की तरफ से इसी Vivo X80 Pro स्मार्टफोन में। और यहाँ पे जो बैक बॉडी में हमें कैमरा बम्प देखने को मिलता है, यहाँ पे सिरामिक ग्लास का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के मामले में हेल्पफुल रहेगा। और Vivo ने इसी Vivo X80 Pro स्मार्टफोन में जो यहाँ पे कैमरा के मामले में काम किया गया है, बहुत ही एक ज़्यादा अच्छा कैमरा में काम किया गया है जो आगे यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और चलिए दोस्तों, फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। इस स्मार्टफोन में जो डिस्प्ले दिया गया है काफी एक बढ़िया क्वालिटी का डिस्प्ले दिया गया है। जी हां दोस्तों, कर्व शेप में इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पंचोल कैमरा के साथ में यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पे बीचों बीच में लगाया गया है। डिस्प्ले जो है वो बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी का मैंने इसलिए कहा है क्योंकि इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में LTP AO3 AMOLED स्क्रीन का यहाँ पे उपयोग किया गया है। 120 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। HDR10+ पूरे है और यहाँ पे एक लार्ज स्क्रीन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि 6.78 इंचेस का यहाँ पे एक लार्ज स्क्रीन है। 89.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। साथ ही साथ यहाँ पे जो रिजोल्यूशन है Full HD+ रिजोल्यूशन है 1440x3200 के साथ इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले है। 517 PPI रखा गया है, यानी पिक्सल जो पार इंच है वो भी काफी अच्छा है। तो ओवरऑल देखा जाए एक अच्छा स्मूथ डिस्प्ले इस स्मार्टफोन में दिया गया है। कैमरा के ऊपर चलिए नजर डालते हैं। इस स्मार्टफोन में हमें बहुत ही एक अच्छा कैमरा क्वालिटी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के मामले में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कैमरा की एप्स में काफी सारा यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, तरह तरह की मोड्स यहाँ पे शामिल है और काफी सारा फोटोज जो इसी स्मार्टफोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है देख सकते हो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सेल्फी के मामले में भी ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। इसी स्मार्टफोन के रियर कैमरा के साथ काफी सारा फोटोज क्लिक किया है और मुझे आउटपुट बहुत ही अच्छा यहाँ पे देखने को मिला।
है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो सेल्फी कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, इतना बढ़िया कैमरा लेंस, काफी कम डिवाइसेस है इस प्राइस पॉइंट पे जो देखने को मिलता है। जो डिवाइस की प्राइमरी कैमरा है वो है 50 मेगापिक्सल, अपर्चर f1.6 के साथ में। इसके अलावा सैमसंग का यहाँ पे सेंसर इस्तेमाल किया गया है GNV, जो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के लिए 48 मेगापिक्सल, यहाँ पे टेलीफोरूज के लिए 8 मेगापिक्सल, और साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल का और एक कैमरा देखने को मिलता है। और गाइज, अगर इस स्मार्टफोन की वीडियोग्राफी के ऊपर बात करूँ, यहाँ पे रियर कैमरा के साथ में यहाँ पे आपको सिनेमेटिक वीडियो शूट करने का मौका मिलता है, DSLR लाइक यहाँ पे वीडियोग्राफी आप कर सकते हो। और यहाँ पे 360 डिग्री हॉराइजन लेवल स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो एक फ्लैगशिप डिवाइस में जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस मिलना चाहिए था, आपको इसी स्मार्टफोन में यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। तो वन ऑफ द बेस्ट फोन रहेगा ये वीवो X80 Pro, फ्लैगशिप डिवाइसेस में से एक डिवाइस होगा जो कैमरा के मामले में बहुत ही एक तगड़ा स्मार्टफोन रहेगा। और इसी स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। काफ़ी यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ड्यूअल फिंगरप्रिंट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा इनोवेशन डाला है इसी स्मार्टफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर में। और चलिए दोस्तों, फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के बारे में कि डिवाइस तो इतना बढ़िया स्पेसिफिकेशंस कैमरा के मामले में देखने को मिला है, साथ ही साथ यहाँ पे डिज़ाइन के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, सभी दिशाओं से ये डिवाइस काफ़ी अच्छा है। अब चलिए परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर लेते हैं। इसी स्मार्टफोन में 12 GB रैम मिलता है, साथ ही साथ 256 GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, रैम रोम मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है, एक्स्ट्रा 4 GB सॉफ्टवेयर बेस रैम भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें एंड्रॉयड 12 देखने को मिलता है और फ्रंट टच ऑपरेटिंग सिस्टम 12 दिया गया है। और डिवाइस में सबसे ज्यादा अच्छी बात है, डिवाइस में ड्यूअल प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, एक वीवो का कस्टम V1 प्लस, और इसी स्मार्टफोन की जो मेन प्रोसेसर दिया गया है वो है क्वालकॉम की तरफ से। जी हां दोस्तों, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, और ये 4nm टेक्नोलॉजी में बनाया गया है। काफी तगड़ा प्रोसेसर है जो गेमिंग एंड स्पीड के मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और यहाँ पे देख सकते हो हमें और एक यहाँ पे V1 प्लस चिपसेट मिलता है जो यहाँ पे फोटोग्राफी के मामले में स्पेशली बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो डिवाइस परफॉर्मेंस के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। इसके अलावा इसी स्मार्टफोन में 4700 mAh का बैटरी के साथ में यहाँ पे 80W वीवो का फास्ट चार्ज का इस्तेमाल किया गया है। ओनली 30 मिनट्स के अंदर डिवाइस फुल चार्ज हो जाएगा। साथ ही साथ इस स्मार्टफोन में हमें OIS टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो 50W का है। जी दोस्तों, इसमें भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे वीवो की तरफ से बैटरी परफॉर्मेंस में काम किया गया है। और साथ ही साथ वीवो X80 Pro में यहाँ पे IP68 का रेटिंग भी मिलता है। तो और कलर के ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे ये जो वीवो X80 स्मार्टफोन है, इसमें हमें दो कलर मिलता है, कॉस्मिक ब्लैक एंड ब्लू, और X80 Pro में एक ही कलर है, कॉस्मिक ब्लैक। और चलिए दोस्तों, फिलहाल बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। ये जो वीवो X80 Pro 5G स्मार्टफोन है, इसमें हमें एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो आता है 12 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, और जिसका प्राइस इंडिया में रखा गया है 79,999 रुपीज़, यानी ऑलमोस्ट 80,000 का ये डिवाइस है। और प्राइस रेंज के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस को देखा जाए, कहीं ना कहीं ये जो वीवो X80 Pro स्मार्टफोन है बहुत ही अच्छा एक तगड़ा स्मार्टफोन है। तो ये दोस्तों आज के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।